रिलेशन बिटवीन ई एंड वी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल में क्या रिलेशन है? ये टॉपिक करने से पहले एक पॉइंट को समझ लो जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वो ये है कि ये आपके पास मान लो अर्थ है। अगर मैं पूछूं कि एक मास है, उस मास को ऊपर से ड्रॉप कर दिया तो उसके ऊपर फोर्स कहाँ लगेगी? डाउनवर्ड्स। ओके, इलेक्ट्रिक सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन कहाँ होगी? डाउनवर्ड्स। जैसे जैसे आप नीचे आएंगे, आपकी पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल बोथ नीचे आते हुए क्या होंगे? डिक्रीज। जब फोर्स, जब आप कहाँ आएंगे, एक पॉइंट मास को छोड़ देंगे, पॉइंट मास नीचे गिरेगा, तो पॉइंट मास नीचे गिरेगा, अपनी पोटेंशियल एनर्जी कम करती जाएगा, कम करता जाएगा, पोटेंशियल भी कम होता जाएगा, और डायरेक्शन उसकी ई की तरफ होगी। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि जिस डायरेक्शन में ई ट्रेवल कर रहा है, जिस डायरेक्शन में ई एग्जिस्ट करता है, अगर मैं उस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर दूं नीचे, तो मेरा पोटेंशियल क्या होगा? डिक्रीज। तो मैं अगर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन में चलूं, तो मेरा पोटेंशियल उस तरफ जाते जाते घटेगा, बढ़ेगा नहीं। मैंने बता दिया, घट रहा नीचे की तरफ। और फॉर्मूला है ई का, ई का क्या फॉर्मूला है? वी के साथ एक फॉर्मूला लिखो, माइनस डी वी बाई डी आर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वेयर ई इज ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी और डी वी बाई डी आर को बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ वी। पोटेंशियल ग्रेडियंट मीन रेट ऑफ चेंज ऑफ वी। ग्रेडियंट में टाइम नहीं आता, ग्रेडियंट में डिस्टेंस आता है। तो डिस्टेंस के साथ कोई चीज़ कैसे चेंज होती है, ग्रेडियंट बोलते हैं। जैसे प्रेशर ग्रेडियंट डी पी बाई डी आर, पोटेंशियल ग्रेडियंट डी वी बाई डी आर, वेलोसिटी ग्रेडियंट वेलोसिटी बाई डिस्टेंस। राइट, क्लियर है? तो ये आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट है और नेगेटिव साइन है। अब नेगेटिव साइन क्या शो करता है, अब एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। नेगेटिव साइन यही शो कर रहा है कि एज यू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, आप फील्ड की डायरेक्शन में अगर जाएंगे, आपका पोटेंशियल घटेगा, बढ़ेगा नहीं, ये घटेगा। इस बात को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, आपको सारी पिक्चर एक मिनट में क्लियर हो जाएगी। ये फॉर्मूला है क्या? हाँ, ये फॉर्मूला आया कहाँ से वो हम नहीं कर रहे अभी इस प्लस वन के अंदर, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ये। प्लस टू में इलेक्ट्रोस्टैटिक में इसका सीबीएसई में प्रूफ है, वहाँ से ये समझ में आ जाएगा, लेकिन उसके लिए मेरे को थोड़ा सा पोटेंशियल डिफरेंस समझाना पड़ेगा, और वो थोड़ा नहीं है, वो काफ़ी अलग ही रूट, अलग ट्रैक है। तो मुझे लगता है कि ये हमारा प्लस वन का पर्पज़ ये फॉर्मूला सॉल्व करता है, लेकिन प्लस टू के अंदर इसका प्रूफ बहुत डिटेल में आएगा, कुछ ज़्यादा डिटेल में आएगा मतलब कि। ठीक, तो इसको लगाना सीखते हैं। लगाने के लिए काम करते हैं, आप इमेजिन करो। देखो, अगर आपको प्लैनेट ही दिखा दिया फिर तो आपको रटा पड़ा है, अच्छा प्लैनेट नीचे है, ये लो फोर्स इधर है, ई इधर है, वी गिर गया, नीचे गिर गया, गिर गया, ऐसा ना कि मन होगा। आपको कहेगा देखो एक स्पेस है, कोई प्लैनेट दिखाएगा भी नहीं आपको, वो कहेगा मान लो ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस का ये कोऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट है एक्स वन की वैल्यू मान लो टू है, और मान लो ये कोऑर्डिनेट है एक्स टू की वैल्यू सिक्स है। ठीक है, और वो ये कहेगा कि यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू, यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू मान लो माइनस टेन जूल पर केजी है, और इस पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू माइनस ट्वेल्व जूल पर केजी है, उसे दे दिया ये। ठीक है, पहला क्वेश्चन बताओ फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है, इंटेंसिटी की डायरेक्शन कहाँ है, राइट है लेफ्ट है ऊपर की नीचे है? राइट है, कैसे पता? क्योंकि पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है। राइट, तो देखो ना, पोटेंशियल की वैल्यू माइनस दस से कितनी होगी? माइनस बारह। जिस तरफ पोटेंशियल डिक्रीज होगा वो आपको पता बता देगा कि आपकी फील्ड की डायरेक्शन कहाँ पर है। तो आपका ग्रेविटेशनल फील्ड राइट है, तो ई की डायरेक्शन हमेशा कहाँ होगी? जहां पर V गिरेगा, डिक्रीज होगा। पहला पॉइंट क्लियर है? नेक्स्ट, वो ये कहेगा इस क्वेश्चन में फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ E। अब तुम्हें पता लग ही गया E, तो E की वैल्यू बता दो। तो मैं फॉर्मूला लिख लूंगा E का माइनस डी वी बाय डी एक्स, माइनस डी वी बाय डी एक्स। क्लियर है? लगाऊं, और R की जगह मैं X कर रहा हूं क्योंकि मेरा क्वेश्चन X एक्सिस पे, अगर Y पे होता मैं Y करता, Z पे है तो Z पे करता। तो E की वैल्यू विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ, ध्यान से पहले देख लो फिर लिख लेना, देख लो न्यूमिनेटर में क्या है, डी वी। डी वी का मतलब क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। आप मन में ये इमेजिन करो कि आप यहाँ से यहाँ जा रहे हैं,
लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, जैसे मर्जी जाएं, राइट से लेफ्ट भी आ सकते हैं, लेफ्ट से राइट जैसी इच्छा है, मैं लेफ्ट से राइट जा रहा हूं, तो ये मेरी इनिशियल पोजीशन है और ये मेरी फाइनल पोजीशन है, लेफ्ट से राइट। डीवी में पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। बोलो फाइनल कितनी है? माइनस 12। इनिशियल कितनी है? माइनस 10। फाइनल माइनस इनिशियल। डिस्टेंस डी एक्स के अंदर भी फाइनल माइनस इनिशियल। एक बार प्लीज चेक करके बताना, ई कितना आ रहा है? माइनस प्लस आएगा, प्लस। वैसे भी यार अगर एक बात बताऊं, जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रूल ही वॉलेट हो गया, ठीक है। तो यहां पर प्लस कितना हो गया? ये 1/2, 4, ठीक है। तो कहने का मतलब कि v की वैल्यूज को देखते हुए भी तुमने e निकाल दिया, कमाल की चीज ये देखो। तो v और e आपस में रिलेटेड है। तो पहला ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, e और v के बीच में जो पहला एग्जांपल आएगा वो कैसा आएगा? तो आपको कोऑर्डिनेट्स देगा, कोऑर्डिनेट्स में v1 v2 देगा, x1 x2 देगा, या y1 y2 जो भी देगा, वहां से आप e की वैल्यू निकाल लेना। तो पहला रूल समझ में आया यहां तक? ठीक है, इसी के ऊपर दूसरा क्वेश्चन नोट करो। अगर ये नहीं आएगा तो ये तो पक्का आएगा, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर है इसका? दूसरा, इस फॉर्मूले को यूज कैसे करना है? और हाँ, ये भी चलो दूसरा पहले लिख लो। दूसरा मान लो वो आपको होगा, वी की वैल्यू है 4x2, या वी की वैल्यू है -4x2, और कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ ई। अब v देखो ना, x के साथ चेंज हो रहा है, e निकालो, कुछ भी नहीं करना, e का फॉर्मूला बोलो माइनस dv बाय dx। आप सिंपली कुछ ना करें, d बाय dx ऑफ, इसकी वैल्यू क्या है? माइनस 4x2, ये 4 इंटू d बाय dx ऑफ क्या बन जाएगा? x2, 4 इंटू x2 के डिफरेंशिएशन क्या है? 2x, आंसर क्या आएगा? 8x आंसर। कुछ भी ना करना, v के फंक्शन को डिफरेंशिएट करके e आ गया, बात खत्म। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो या तो वो कोऑर्डिनेट सिस्टम में पूछेगा dv बाई dx वाला कॉन्सेप्ट, या फिर v देके e पूछ लेगा। वो क्या देगा v, उसकी मर्जी है, जो भी देगा। PYQ के अंदर, क्योंकि मैथ्स में काफ़ी लोग डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन प्लस टू में कर लेंगे, वो काफ़ी डिटेल में करेंगे, तो ठीक ठाक भी पूछ सकता है, जहाँ मैथ्स का कॉन्सेप्ट ज़्यादा भी लग सकता है। तो पॉइंट क्लियर है, और डिफरेंशिएशन हमने भी की हुई है, क्या ही दिक्कत है? यू पॉन वी पूछ लेगा ज़्यादा, और क्या ही पूछेगा? डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम नहीं है कोई भी। तो ये स्टेप क्लियर है। उसी तरीके से अगर मेरे को क्वेश्चन v इज इक्वल टू 4y2 गिवन होता, तो बोलो फॉर्मूला क्या लगता? माइनस dv बाय dy। और ऐसे अगर v मेरे को -4z2 गिवन होता, तो e का फॉर्मूला माइनस dv बाय dz। मेथड समझ में आ रहा है? तो देखते हुए कि अगर x की फॉर्म में है तो x लग जाएगा, y की फॉर्म है तो y, और z की फॉर्म है तो z। ठीक है यहां तक? कोई डाउट इसमें? लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए, v इज x y z, वो तीनों में देगा, अब बोलो e क्या होगा? माइ पार्शियल डिफरेंशिएशन। वर्क पर एनर्जी में की थी, एनर्जी और फोर्स का कॉन्सेप्ट यही था, बिल्कुल। तो e इज इक्वल टू, फॉर्मूला नोट करें, वेक्टर फॉर्म में कर लें, माइनस पार्शियल डेरिवेटिव, ये रहा i कैप, वेक्टर में ले लें, dv बाय dy j कैप, एंड dv बाय dz k कैप। अगर मान लो तीनों में आ जाएं तो ये फॉर्मूला यूज करना है। और पार्शियल क्या है? वैसे तो मैंने बताई भी थी, मैं फिर से बताऊंगा अभी पार्शियल 2 मिनट में। आप नोट कर लें फॉर्मूला, e वेक्टर ये होगा, पार्शियल डेरिवेटिव एनसीईआरटी में नहीं आएगी, ये वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, PYQ में इसमें आया हुआ है, मेंस और नीट दोनों में आ रखा है वैसे। तो E वेक्टर विल बी इक्वल टू, चलो वैल्यू पुट करते हैं, माइनस d बाय dx ऑफ v की जगह x प्लस y प्लस z i कैप, d बाय dy ऑफ x प्लस y प्लस z j कैप, d बाय dz ऑफ x प्लस y प्लस z k कैप। ऐसे वैल्यूज रिप्लेस कर देते हैं, सही है। और फाइनली पार्शियल डेरिवेटिव देख लो क्या है, जिनको भूल गया है,
पार्शियल डेरिवेटिव में डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वन होगा। अगर यहाँ एक्स है तो ये वाई और जेड दोनों को क्या मानेगा? कॉन्स्टेंट। पार्शियल में अगर डिफ्रेंसिएशन रिस्पेक्ट टू एक्स है तो ठीक है, अगर वाई जेड चल रही है तो वो कॉन्स्टेंट है, तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा? डी एक्स बाई डी एक्स बस, क्योंकि वाई जेड को तो लेंगे ही नहीं इसमें। नेक्स्ट है, ऐसी एक्स और जेड को कॉन्स्टेंट मानते हुए ये टर्म आ जाएगी जे कैप में, और ऐसी डी जेड बाई डी जेड में क्या जाएगा? के कैप। और फाइनल आंसर क्या आएगा? आई कैप, जे कैप एंड के कैप, ऐसा ऑब्जेक्टिव आएगा, मार्क कर लेना। और अगर मैग्नीट्यूड आया तो अंडर रूट ऑफ वन का स्क्वायर, वन का स्क्वायर, वन का स्क्वायर करके नेगेटिव लगा लेना आंसर। मेथड समझ में आ रहा है कि पार्शियल डेरिवेटिव कैसे काम करेगा इसमें? ठीक है, सपोज करो आपको क्वेश्चन के अंदर ध्यान आ गए, क्वेश्चन में इस बार अब वो ई दे रहा है, ई इज 4x स्क्वायर, और वो क्या पूछ रहा है? फाइंड वी। उल्टा काम हो गया, अब क्या करें? इंटीग्रेशन। तो कुछ भी नहीं करना, ई का फॉर्मूला लगा लें, माइनस डी वी बाई कितना? डी एक्स। डी वी इज इक्वल टू माइनस ई डी एक्स। डी वी इज इक्वल टू ई की वैल्यू माइनस 4x स्क्वायर डी एक्स, और इसकी करते हैं इंटीग्रेशन। और 1 dv की इंटीग्रेशन, माइनस 4 कॉन्स्टेंट है, x स्क्वायर dx की इंटीग्रेशन, 1 dv की इंटीग्रेशन v है, माइनस 4 इंटू एक्स क्यूब बाई 3, और क्योंकि लिमिट्स नहीं लगी हुई तो पीछे क्या लग गया? कॉन्स्टेंट। लिमिट्स होती तो लिमिट्स लगा देते, तो कुछ भी नहीं करना। अगर मान लो e गिवन है और v निकालना है तो इंटीग्रेशन, अगर v गिवन है और e निकालना है तो डिफ्रेंसिएशन, बिल्कुल सेम रूल है। ठीक है यहाँ तक? ठीक है यहां तक? ये रूल क्लियर है ई और वी के? ठीक, तो इसमें अब नेक्स्ट इधर देखो, आपकी बुकलेट में ये हमने कर लिया, ये हमने लास्ट टाइम कर लिया था, कोई टाइप में रह जाए बस ये चेक कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट इसमें ना ये पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, थ्री चार्जेस, फोर चार्जेस, ये हमने कर लिया। नेक्स्ट रिलेशन हमने कर लिया एनर्जी और पोटेंशियल का, कुछ नहीं करना इसमें। नेक्स्ट जो है एग्जांपल ऑफ ग्रेविटेशन में ये अभी भी किया, ई वेक्टर माइनस डी वी बाई डी आर वाला, और ये मैंने बता दिया वी से ई कैसे निकलेगा, ये हमने डिस्कस कर लिया। वी से ई कैसे निकलेगा? माइनस डी वी बाई डी वाई, वेक्टर फॉर्म में वाई है तो जे कैप लगा दिया, सेम है। वी से ई कैसे निकलेगा? पार्शियल डेरिवेटिव, क्योंकि वी जो है वो एक्स वाई जेड की फॉर्म में है, तो आपको पार्शियल डेरिवेटिव करना पड़ेगा, ये भी डिस्कस हो गया। ई से वी कैसे निकलेगा? तो बाय इंटीग्रेशन, ये भी बता दिया मैंने इसमें। नेक्स्ट, अगर v की ये वैल्यू है और मुझे क्या निकालना है? मुझे e निकालना है जब x की वैल्यू p है। अब कोई स्टूडेंट बोले एक काम करो, पहले x को यहाँ पुट कर दो p और फिर डिफ्रेंशिएट कर दो, आंसर जीरो आ जाएगा। मैंने कहा ये क्या बात बनी, पहले थोड़ा पुट करेंगे, पहले फंक्शन निकालेंगे x की फॉर्म में e का, पहले मत पुट करना, जैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड में पुट करते हैं। तो पहले आप इसको v को यहाँ पुट करेंगे, u by v का फॉर्मूला लगाएंगे, डिफ्रेंसिएशन न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर लगा के, आंसर जब डिफ्रेंसिएशन से आएगा तब x की जगह यहाँ p पुट करेंगे तो आंसर आएगा। ठीक है यहाँ तक? जैसे क्वेश्चन है कि e की वैल्यू सम कांस्टेंट इनटू x की पावर माइनस 3/2 है, और वो एक स्टेटमेंट दे रहा है, और x एक्सिस के अलोंग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जीरो है एट इन्फिनिटी। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जीरो का मतलब क्या है, ये तो बताने की जरूरत भी नहीं है, तो ऑलरेडी पता है कि इन्फिनिटी के ऊपर पोटेंशियल जीरो है। और मुझे कहाँ निकालना है? एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स। अब बेसिकली तो मेरे को ई से वी निकालना है, तो लिखो फॉर्मूला, ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई,
ई की वैल्यू पुट कर दी, बस इसमें खेल लिमिट्स का है। वो जानबूझ के स्टेटमेंट देता है कि आप लिमिट्स लगा सको कैसे, जब एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी है तब पोटेंशियल क्या है, जीरो, ध्यान इन्फिनिटी पे जीरो, और एक्स डिस्टेंस पे पोटेंशियल क्या है, वी। तो इसे इंटीग्रेट कर लेंगे, ये वी आ जाएगा, इसकी इंटीग्रेशन एक्स की पावर माइनस थ्री बाई टू प्लस वन, तो एक्स की पावर माइनस हाफ वन बाई रूट एक्स होता है। एक बार एक्स की जगह अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट, वन बाई इन्फिनिटी जीरो ऑप्शन मार्क कर लेना। इंटीग्रेशन तो आपने करनी है, बट मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि पहला स्टेप इसमें क्या होगा, ये अभी नहीं करना हमने, ये अभी नहीं करना।